मित्रों, किसी के बारे में गलत अनुमान लगाना, गलत सोच रखना व्यक्ति को किसी भी रिश्ते में गुमराह कर देता है। याद रखना, मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, प्रेम और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। जय श्री कृष्ण। मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे जे नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम जे नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जे नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, सबसे पहले हम जानेंगे कि जे नाम वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षिप्त में जानेंगे और उसके बाद जे नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि जे नाम वाले कैसे होते हैं। ये लोग स्वभाव से काफी मेहनती होते हैं। जिस काम को शुरू करते हैं उस काम को खत्म करके ही मानते हैं और कई बार काम करने का जुनून इनमें इतना ज्यादा होता है कि वो अपने परिवार पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये कार्य करने से घबराते नहीं हैं, ये जिम्मेदारी लेने से भी घबराते नहीं हैं। बहुत ही व्यवहारिक होते हैं और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए जिद्दी होने की हद तक समर्पित रहते हैं। और ये मानसिक शक्ति इनकी काफ़ी होती है, शारीरिक शक्ति भी इनकी मजबूत ही होती है और इनमें आत्मिक शक्ति भी ज़्यादा होती है। बहुत ही रहस्यमयी होते हैं, इनको आप आसानी से नहीं जान सकते कि इनके अंदर क्या चल रहा है और ये क्या बोल रहे हैं। ये दूसरों की बात मानने वाले होते हैं, लेकिन ये स्वभाव से कई बार आलसी भी देखे जाते हैं। घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, यात्राएं करना पसंद होता है। कोई भी कार्य पूरे सोच विचार के बाद ही करते हैं। इनमें आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती, बहुत ही आत्मविश्वासी होते हैं, असीम सहन शक्ति होती है और ये लोग जो होते हैं खुले विचारों वाले होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां सदा पूरी करते हैं, उदारवादी होते हैं। तन की सुंदरता के साथ साथ इनके मन की सुंदरता भी होती है। बहुत ही गुणवान लोग होते हैं, थोड़ा नखरीले स्वभाव के हो सकते हैं। शासन प्रिय और परोपकारी होते हैं, मेहनती तो होते ही हैं, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धैर्यवान और विश्वसनीय लोग होते हैं। स्वभाव से परोपकारी ज़्यादा होते हैं, कई बार ये लोग देखा गया है। अनुशासन पसंद करते हैं, इनके अंदर इतना दया भाव होता है कि कई बार तो ये अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा दूसरों के लिए काम करते हैं और उनका यही स्वभाव उन्हें लोगों के बीच एक अलग पहचान देने में मदद भी करता है। बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, दूसरों के सामने हाथ फैलाना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है, लेकिन अगर आप इनसे कोई मदद मांगे तो दूसरों के लिए ये तुरंत उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। संवेदनशील स्वभाव के होते हैं और ये कमजोरों की सहायता करने की भावना अपने मन में रखते हैं और इनकी जो है प्रेम भावना भी बहुत प्रबल होती है। अगर इनके साथी में विश्वास की कमी ये पाते हैं तो उससे दूर हो जाते हैं। ये लोग प्रेम को जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते हैं। जिस व्यक्ति से भी प्रेम करते हैं उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। इन्हें कभी भी प्रेम में धोखा मिलता है तो ये उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और काफ़ी भावुक होने की वजह से टूट जाते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग विवेक से काम लेते हैं और बिना सोचे समझे कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। ये लोग प्रेम संबंधों में भी कभी भी भावनाओं में निर्णय न लेकर सामने वाले को ठीक से परख कर ही साथी के रूप में चुनते हैं और ये पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित होते हैं, परिवार का साथ देते हैं। इनके जीवन में किसी न किसी तरह की जिम्मेदारी हमेशा बनी रहती है। ये अपने परिवार के किसी सदस्य या जीवन साथी की पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाते हैं। बहुत ही समझदार लोग होते हैं और प्रेम के लिए परिवार का साथ नहीं छोड़ते, हमेशा दूसरों का उत्साह बढ़ाने वाले होते हैं। इनकी सलाह आप आराम से मान सकते हैं क्योंकि आपको हमेशा अच्छी सलाह ही देंगे। ये अपने प्रेम संबंध में पूरी तरह समर्पित रहते हैं, भले ही ये शब्दों से नहीं बोलेंगे या अपने प्रेम को जाहिर नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा अपने साथी के लिए खड़े रहेंगे। इनको कोई भी आसानी से पार्टनर बना सकता है क्योंकि ये पूरी तरह से समर्पण का भाव रखने वाले होते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं जे नाम वाले। चलिए मित्रों, अब जे नाम वाले लोगों के राशिफल की चर्चा करते हैं। तो जे नाम वाले लोगों के वर्ष 2024 के राशिफल में सबसे पहले हम धन की बात करेंगे।
तो धन के मामले में अगर हम बात करें तो धन के मामले में आपको वर्ष 2024 में अच्छे परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन के मामले में बढ़िया परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है वो आपको बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा और आपकी आय जो है नियमित स्रोतों से होती रहेगी। आपकी आय में कोई रुकावटें नहीं होंगी। मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपके धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम आपको दिखाने वाला है। वहां पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे और अप्रैल तक के समय में आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। तो धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम मिलने वाले हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, पूरे वर्ष आप में तनाव की अधिकता बनी रहेगी वर्ष 2024 में, इसलिए आप धन और आय के मामले में कोई भी फैसला लेते वक्त थोड़ी सी सावधानी अवश्य रखें और बजट बनाकर चलें, खर्चों पर नियंत्रण रखें। बाकी धन और आय के मामले में आपके लिए बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2024 में और मई से दिसंबर तक का समय आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की अगर हम बात करें तो व्यापार और नौकरी के लिए भी आपको बेहतर परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वहाँ पर भी मई से लेकर और दिसंबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सामान्य परिणाम आपको पूरे वर्ष मिलते रहेंगे क्योंकि आप मेहनत बहुत करेंगे। इस वर्ष आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी करते हो चाहे आप व्यापार करते हो, आप मेहनत ज़्यादा करने वाले हैं और अगर ज़्यादा मेहनत करेंगे तो परिणाम भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो आप मेहनत तो ज़्यादा करने वाले ही हैं और मेहनत के परिणाम भी आपको अच्छे मिलने वाले हैं, इसलिए व्यापार कारोबार और नौकरी में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें, अगर कोई आप नौकरी में बदलाव चाहते हैं, यानी कि नौकरी बदलना चाहते हैं या आपका कहीं ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर सोच समझ कर आप करें। खासकर नौकरी बदलने के मामले में सोच समझ कर करें। अगर प्राइवेट सेक्टर में हैं तो जब तक नई नौकरी नहीं मिलती है पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ें, इस बात का ध्यान रखें। और व्यापार कारोबार में भी अगर कोई विस्तार करते हैं तो वहां पर भी ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। किसी भी व्यापार कारोबार या नौकरी में कोई भी बदलाव लाते वक्त आप थोड़ा सोच समझ कर करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में आपको वाणी पर संयम रखकर चलना होगा। छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का छोटा मोटा वाद विवाद यानी व्यर्थ का वाद विवाद ना करें, वरना वो बड़ा हो सकता है। और पिता के साथ संबंधों में पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलना होगा। तो छोटे भाई बहनों के साथ पिता के साथ संबंधों में ध्यान रखकर चलें पूरे वर्ष, नहीं तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। और बाड़ी पर संयम रखें और परिवार के सदस्यों के साथ, खासकर छोटे भाई बहनों के साथ और पिता के साथ तालमेल बनाना आवश्यक है। बाकी लोगों के साथ संबंध लगभग पूरे वर्ष आपके ठीक ही रहने वाले हैं, तो पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा तालमेल बनाकर चलेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में वर्ष 2024 में अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो उसका तो आपको ध्यान रखकर चलना होगा। वैसे स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं हैं, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी अगर पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें। और स्वास्थ्य के मामले में मेरी सलाह सदैव यही रहती है कि कभी भी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श लेना ना भूलें। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में वर्ष 2024 में आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे। शिक्षा में आप अच्छा करते हुए नजर आएंगे, लेकिन ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आप में तनाव की अधिकता बनी रहेगी। इसलिए तनाव के मामले में थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें कि ज़्यादा तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। और अगर तनाव अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं तो शिक्षा में मेहनत तो आप खूब करेंगे और अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। और शिक्षा के लिए भी अगर हम देखें, यहाँ पर 1 मई 2024 से और 31 दिसंबर 2024 तक का समय बहुत अच्छे परिणाम दिखाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफ़ी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे वर्ष 2024 में मई से लेकर दिसंबर तक के समय में। और अगर विदेश में कोई पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में कर शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, कोई दाखिला लेना चाहते हैं, तो वो भी सफलता आपको मिल सकती है, आप प्रयास करें। शिक्षा में अगर कोई व्यापार कारोबार करते हैं या कोई अध्यापक हैं, शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी तरह से जुड़े हुए हैं, तो लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, रोमांस भी रहेगा और आप अपने जीवन साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। और अगर वैवाहिक संबंधों में कोई मतभेद चल रहा है और ज़्यादा मतभेद है और उसे आप समाप्त करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, तो 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का ऐसा समय होगा जब आप प्रयास करें तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। वहाँ पर आपकी समस्याएँ सुलझ सकती हैं, आपके मतभेद सुलझ सकते हैं और वैवाहिक संबंध आपके सामान्य हो सकते हैं।
अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो वहाँ पर भी मई से लेकर दिसंबर तक का समय आपको बेहतर परिणाम दिखा सकता है और वहाँ पर आपको जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और ससुराल पक्ष के लोगों के साथ पूरे वर्ष आपको ध्यान रखकर चलना होगा, वहाँ पर बाड़ी पर संयम रखना होगा, वरना वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ पूरे वर्ष बाड़ी पर संयम रखें, किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में धैर्य और संयम की आवश्यकता रहेगी वर्ष 2024 में। बात करें प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों में बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष 2024 अच्छा है आपके लिए, बस आपको बाड़ी पर संयम रखकर चलना होगा। और 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का जो समय है, वहां पर काफ़ी रोमांस भी रहेगा आपके प्रेमी प्रेमिका के बीच में। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो आप देखेंगे बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे, और अगर पुराने प्रेम संबंध हैं तो भी आपको बेहतर परिणाम ही मिलेंगे। इस वर्ष 2024 में आप देखेंगे आपको प्रेमी प्रेमिका की तलाश भी पूरी होगी। अगर आप किसी प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, किसी मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं या किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपकी मित्रता स्वीकार की जा सकती है। लेकिन एक बात का पूरे वर्ष ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कि किसी को भी अगर आप मित्र बनाना चाहते हैं तो जांच परख कर मित्रता का हाथ बढ़ाएं। पहले अपने मित्र के बारे में पूरा जानें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, तभी आपके लिए अच्छा रहेगा। वरना वर्ष 2024 में जो प्रेमी प्रेमिका आपके जीवन में आएगा, वो लंबे समय तक आपका साथ नहीं निभाएगा, जल्दी ही संबंध आपके ख़राब भी हो सकते हैं। मई 2024 यानी 1 मई 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक का समय प्रेम संबंधों में काफ़ी बेहतर परिणाम दिखा सकता है, वहाँ पर प्रेम संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदार हैं, अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध नहीं हैं, तो आप देखेंगे प्रेमी प्रेमिका के साथ काफ़ी भरोसा बढ़ेगा और काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आपके पुराने प्रेम संबंध हैं, आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, परिवार को मनाना चाहते हैं और अपने साथी को मनाना चाहते हैं, तो वहां पर भी मई 2024 से दिसंबर 2024 तक का समय बेहतर है। तो प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा समय है। थोड़ा सा आप में तनाव और क्रोध देखने को मिलेगा वर्ष 2024 में, उसके चलते कोई वाद विवाद ना करें तो वाणी पर संयम रखें, और व्यर्थ के वाद विवादों से बचेंगे तो प्रेम संबंधों में भी बेहतर परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपको वर्ष 2024 में। चलिए उपाय की बात करते हैं। जे नाम वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा वर्ष 2024 में कि आप जो है शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर भोजन का दान नहीं कर सकें तो गरीब व्यक्ति को धन का दान कर दें। और दूसरा उपाय आप ये कर लें कि बुधवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, और हरा चारा नहीं खिला सकते हैं तो 5 मुट्ठी मूँग मंगलवार की शाम को भिगो दें और सुबह उसको पानी से निकाल कर अपने हाथों से गाय को खिलाएं। आप देखेंगे बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, बुधवार वाले दिन करें। तो ये उपाय आप करते रहें, बुधवार वाले दिन गाय का उपाय और शनिवार वाले दिन जो मैंने बताया गरीब व्यक्ति को भोजन का दान या धन का दान, ये दोनों उपाय अगर आप कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, पूरे वर्ष आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर दोनों उपाय आप नहीं कर सकते हैं तो दोनों में से अगर एक उपाय भी करते हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जे नाम वाले लोगों का वर्ष 2024 के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये जे नाम वाले लोगों का वर्ष 2024 का राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।